पे कहना पड़ रहा है। एक तो हम अपने आप को जमहूरियत पसंद सियासी लोग कहते हैं, जमहूरियत की असल खूबसूरती इख्तिलाफ राय से शुरू होती है और सियासत की असल खूबसूरती बर्दाश्त से शुरू होती है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि एक उम्र रसीदा बंदे से उसके अल्फाज जो आपके असेंबली रिकॉर्ड पे हैं, हमें इंतहाई दुख हो रहा है। एक बात की वजाहत करूँ कि ये इलेक्शन लड़के हम आए, हमने कुर्बानी दी है, हमने उन लोगों को फेस दिखाया है जिन लोगों ने कहा कि पाकिस्तान की इलेक्शन मत लड़ो, हमने उन लोगों को चैलेंज किए, सर नहीं झुकाया है जिन लोगों ने बोला कि ये जमहूरी और पार्लिमानी सियासत नहीं करें। आज मैं वजाहत करता हूं नेशनल पार्टी की तरफ से, हम इख्तदार के भूखे नहीं है, ना हम बेइज्जती से सर नीचा करके यहां इस कुर्सी पे बैठेंगे। एक बात को मैं वाजे करता हूं, हम ज्यादती की निशानदेही कर रहे थे, अगर इस अदालत और इस फ्लोर पे हम नहीं करें, हम कहां पे करें? ये अगस्त हाउस, ये पब्लिक की एक अदालत है जहां पे ज्यादती की मेरे दोस्त ने, मेरे छोटे भाई ने निशानदेही की, जो अल्फाज आगे लियाकत ने इस्तेमाल किए। मैं ये समझता हूं हमारे बैठने की जरूरत नहीं है, हम उठ के चले जाते हैं और हमें ऐसे इख्तदार नहीं चाहिए, ना हम बेइज्जती से इस हुकूमत में हैं, ना हम इस ज्यादती को बर्दाश्त करेंगे जब तक इन अल्फाज की इजाला नहीं करेंगे। मैं अपने पार्टी की तरफ से मैं यहाँ नहीं बैठ सकता। अहमद साहब तशरीफ रखे, नवाब साहब की, नवाब साहब की क्लियरेंस के बाद प्लीज की इजाला हो, हमारी एक इज्जत है सर, इसको हस कर रही हूं, बैठेंगे सर आप जी। रहीम जारतवाल साहब, कस्टोडियन आप दियाउस की हैसियत से और कायदे ऐवान की हैसियत से नवाब साहब बैठे हैं,